खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन बड़ा मम चौराहा खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भामगढ़ गांव के एक पेड़ में अचानक आग लग गई। आग सुलगने से आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए, क्योंकि पेड़ बड़ा पेड़ था और इसमें अगर ज़्यादा आग लगती तो आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले सकता था। गांव वालों ने जितना हो सकता था प्रयास किया, परंतु आग नहीं बुझ पाई, जिसके चलते फायर फाइटर की टीम को मौके पर बुलाया गया। और आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया। गांव वालों ने भी काफ़ी मेहनत की और फायर फाइटर की टीम ने पहुंचकर भी मेहनत की। अक्सर पेड़ों के अंदर आग बुझने के बाद भी थोड़ी बहुत आग रह जाती है, जिसके बाद फिर पेड़ में आग लग जाती है। ऐसा बहुत सी जगह बहुत बार देखा गया है। फायर फाइटर की टीम की मेहनत से और गाँव वालों की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। लोग थोड़ा सा इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज़ हैं कि अचानक पेड़ के अंदर आग कैसे लगी। आपको बता दें कि केवल यही पेड़ ऐसा नहीं है जिसके अंदर से आग लगना शुरू हुई और आग फैलती चली गई। कई बार ऐसी घटनाएं कई गांव में और शहर के भी कुछ हिस्सों में हो चुकी हैं। लोग इस पेड़ में अचानक अंदर ही अंदर आग लगने की घटना को भी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में लाए हुए हैं और अपने घरों के बाहर ओटले पर बैठकर इसकी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कहा भाई थी? अरे कहा भाई, ये पूरा जा भाई गाड़ी। क्या बुझार, क्या बुझार, हमें बन गई क्या अंगा बटन के द्वारा? प्रेशर जाना चाहिए, प्रेशर के अंदर, उसके अंदर प्रेशर से पानी जाए तो प्रेशर से भी ज्यादा अपन थोड़ी हो। अरे पड़ा तो पीछे पड़ा है, बिना पगड़ी के किराए पर ऑफिस शोरूम सहित अन्य कार्यों के लिए दुकान लेने के लिए संपर्क करें महाकाल कृपा कॉम्प्लेक्स इंदौर नाका खंडवा।